हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, आरआरबी जेई के एग्ज़ाम में 24 मई को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर है दोस्तों। और ये क्वेश्चन बिल्कुल सटीक तथा जो एंट्रांस है, जो आपका सेंटर था जहाँ पर आपका एग्ज़ाम हो रहा था, उसके सेंटर के बाहर अभ्यर्थियों से कलेक्ट किए गए क्वेश्चन हैं। बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ आपको हम इसके आंसर तथा क्वेश्चन बताएंगे। आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें लिखा है 6 फरवरी 2018 को यदि मंडे था तो 6 फरवरी 2019 को क्या दिन होगा। तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे अगर लीप ईयर होता है तो आप नेक्स्ट ईयर में 2 दिन बढ़ा देते हैं, अगर नॉन लीप ईयर होता है तो केवल आप 1 दिन ही ऐड करते हैं। चूँकि 2018-2019 दोनों ही नॉन लीप ईयर हैं तो इस वजह से आप केवल 1 दिन ऐड करेंगे, और जब मंडे में आप 1 दिन ऐड कर देंगे तो दिन आ जाएगा ट्यूजडे। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं एग्ज़ाम एनालिसिस की बताऊं तो जितना भी आपने सिलेबस रेलवे आरआरबी जेई का देखा है, सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। आपका आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। जीके में मिसेलियस पढ़िएगा, ज़्यादा जीके को पढ़ने की कोशिश ना करें। साइंस पर फोकस करने की कोशिश करें ताकि बेहतर रहेगा। लगभग 30 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं, जिनमें केमिस्ट्री तथा बायो को प्रेफरेंस किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो निम्न में से कौन सी गैस पास होगी। रिएक्शन में कहाँ आपको ऑप्शनल दिए हुए थे, तो ऑप्शन में जो सबसे सटीक आंसर होगा वो आपका CO2 होगा। यदि आप किसी भी मेटल कार्बोनेट की किसी भी एसिड से रिएक्शन करवाते हैं जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो वहाँ पर आपका 100% CO2 पास होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पास होगा। नेक्स्ट रिएक्शन थी क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। पूछा गया था कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा, और लगभग 80% अभ्यर्थी जो आरआरबी जेई का एग्ज़ाम दिए होंगे वो जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा CHCl3। दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ये भी बताते रहें कि किस तरह का आपका सेट किस तरह का खुल रहा है, किस लेवल का एग्ज़ाम आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का नया मेथड अब गवर्नमेंट की तरफ से यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जो हमारी प्रेडिक्ट टेबल है उस प्रेडिक्ट टेबल को कौन सेट करते हैं, जो वर्तमान में किसी भी कंपाउंड का नाम जो रखा जाता है उसे कौन देते हैं, उनका नाम कौन देते हैं। तो दोस्तों, आप जानते होंगे इंटरनेशनल फेडरेशन है, इंटरनेशनल कमेटी है, जो केमिकल कंपाउंड या एलिमेंटों के नाम सजेस्ट करती है वर्तमान में। पूछा गया था कि वर्तमान में केमिकल कंपाउंड या एलिमेंट के नाम कौन सजेस्ट करती है, कौन फिक्स करती है, तो उसका नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है ये। नेक्स्ट पर्सन की तरफ देखते हैं, CH3, CH2, CH3, इसका नेम क्या होगा, इसका केमिकल नाम पूछा गया था, IUPAC नाम पूछा गया था कि IUPAC नाम क्या है। तो दोस्तों, आप जानते होंगे जहाँ नॉर्मल चैन हो तथा केवल 3 कार्बन प्रजेंट हो, 1, 2 तथा 3, तो उसे आप प्रोपेन बोलते हैं, अगर 1 हो तो मिथेन बोलते हैं, 3 हो तो प्रोपेन। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट था कि अगर किसी गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10 हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह के एलिमेंट में पाया जाता है। आप जानते होंगे हेलोजन, नोबल गैस, इस तरह के पीरियडिक टेबल में ग्रुप को बांटा है, और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10 तक का है वो इनर्ट गैस, जिसे आप नोबल गैस का नाम देते हैं, ग्रुप 18 एलिमेंट के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह का पाया जाता है। नेक्स्ट पर्सन आया था साइंस से, हाथी पांव रोग किसके द्वारा होता है, यानी जो हाथी पांव रोग है उसका जनक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक्रोफ्ट टाई नाम के वायरस के द्वारा ही हाथी पांव रोग होता है। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, जो नेक्स्ट पर्सन आया था वो था कि ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो नॉर्मल क्वेश्चन है और ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन पढ़ने वाले ज़रूर पढ़ते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, कि ओलंपिक खेलों की सर्वप्रथम शुरुआत 1896 में ग्रीस देश में हुई थी, जिसे एथेंस के नाम से भी जाना जाता है, एथेंस ओलंपिक जहाँ हुआ था। तो ग्रीस नामक शहर में प्रथम ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1896।
नेक्स्ट है पिंक सिटी के नाम से जाने वाला शहर भारत का कौन सा है जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है, आप मिलसेलियस टाइप के क्वेश्चन पढ़कर जाइएगा, भारतीय संस्कृति तथा इस तरह के कला विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पढ़कर जाइएगा, उससे क्वेश्चन अटैक हो रहे हैं। वो भारत के प्रमुख शहर, नदी तथा जिन्हें उन नाम से जाना जाता है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पढ़कर जाइएगा। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गवर्नर, इस तरह के जीके को आप जरूर पढ़ें। तो पिंक सिटी के नाम से जाने जाने वाला शहर जयपुर है। नेक्स्ट प्रश्न आया था कि शुभमन गिल निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं, जो ऑप्शन में आपको दिए गए थे उसमें सबसे सटीक आंसर था क्रिकेट। और दोस्तों आप जानते होंगे आईपीएल में इस बल्लेबाज ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, इसी वजह से इसका नाम डाला गया है कि शुभमन गिल निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट। नेक्स्ट प्रश्न था कि मिलान सेल का संबंध निम्न में से किस कलाकारी से है, जो नंबर वो किस जगत से जुड़े हुए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मिलान सेल का संबंध है। तो आप जानते होंगे मिलान सेल जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह बेंगलुरु में फिल्म निर्माता थे, बहुत अच्छे निर्माता थे, यह बेंगलुरु फिल्म में ये निर्माता थे। नेक्स्ट प्रश्न था कि फेडरेशन कप निम्न में से किस खेल के लिए जाना जाता है, फेडरेशन कप पूछा गया था जो हमें अभ्यर्थियों के द्वारा पता लगा है। तो आप जानते होंगे टेनिस में फेडरेशन कप खेला जाता है। क्विट इंडिया मोमेंट ने ये प्रश्न आया था कि क्विट इंडिया मोमेंट किसके द्वारा चला गया, डू और डाई मोमेंट किसके द्वारा चला गया, यानी भारत छोड़ो आंदोलन एवं करो और मरो का नारा निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया, वो प्रश्न आपसे पूछा गया था। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आप बिल्कुल सटीकता से ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ कर जाइएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि जीके बिल्कुल टफली नहीं पूछी जा रही है, नॉर्मल जीके पूछी जा रही है, केवल आपको मिसेलियस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा डू और डाई और क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई। नेक्स्ट प्रश्न आया था वर्ल्ड बैंक निम्न में से कहां पर स्थित है, तो दोस्तों आप जानते होंगे वर्ल्ड बैंक अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थित है, वर्ल्ड बैंक तथा इंटरनेशनल फंड। नेक्स्ट प्रश्न है रावण सैटेलाइट निम्न में से किस देश के द्वारा स्थापित की गई है, तो आप जानते होंगे रावण सैटेलाइट श्रीलंका के द्वारा स्थापित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने, तो राष्ट्रपति भी आप पढ़कर जाइएगा, मुख्य राष्ट्रपति पढ़कर जाना है, ये नहीं कि आपको सभी राष्ट्रपति पढ़ना है, वर्तमान राष्ट्रपति या प्रथम महिला राष्ट्रपति, इस तरह के क्वेश्चन आप पढ़कर जा सकते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद के बाद, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो उसके बाद भारत के जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, जो राष्ट्रपति चुने गए थे, वो राधा कृष्णन थे। पहला कॉमनवेल्थ खेल कहाँ पर खेला गया था, ये क्वेश्चन आया था, और यह दो तीन जोन्स में, रेलवे के दो तीन जोन में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहला कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर खेला गया है। तो पहला कॉमनवेल्थ गेम कनाडा में 1930 में खेला गया था, और कॉमनवेल्थ गेम की विशेषता जाने गए होंगे, ये खेल उन देशों के बीच में खेला जाता है जो कभी इंग्लैंड के गुलाम हुआ करते थे या उनके उपनिवेशक देश हुआ करते थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत का सबसे पूर्व का राज्य कौन सा है, ये प्रश्न आया था, तो भारत का सबसे पूर्व का राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न था कि पहली महिला वे कौन थी, जो उनसी पहली महिला का नाम पूछा गया था जो अंतरिक्ष में गई, तो ये सही आंसर हो जाएगा वेलिंगटन टेरेस्कोवा, ये पहली बार अंतरिक्ष में गई, जो महिला थी वो प्रथम बार अंतरिक्ष में गई थी। नेक्स्ट है स्पेशल ओलंपिक निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया था, स्पेशल ओलंपिक ना कि ओलंपिक, वहाँ पूछा गया था स्पेशल ओलंपिक निम्न में से किस देश में कराया गया है, करंट का क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आबू धाबी में ये स्पेशल ओलंपिक कराया गया। नेक्स्ट था पहला मसाला सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया, तो प्रथम मसाला सम्मेलन कोच्ची में आयोजित किया गया, और आप जानते होंगे मसाला तथा नट फ्रूट्स में यानी ड्राई फ्रूट्स में केरल का नाम है, तो पहला मसाला यानी मसाला का केंद्र भी कहा जाता है केरल को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोच्ची। सत्रिया पूछा गया था कि सत्रिया कहाँ से संबंधित है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। सिनेमा हॉल में जो छत बनाई जाती है, ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जो सिनेमा हॉल में छत बनाई जाती है यानी रूफ होती है, वो रूफ किस आकार की बनाई जाती है, तो आप जानते होंगे उसका आकार वक्राकार होता है, थोड़ा कर्वेचर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है भार की एसआई यूनिट पूछी गई थी कि भार की एसआई यूनिट क्या होगी, तो भार भी चूंकि एक तरह से बल है और जो बल का मात्रक है वो न्यूटन होता है, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन।
नेक्स्ट प्रश्न आया था, यदि अवतल दर्पण पर कोई किरण रिफ्लेक्ट होती है यानी परावर्तित होती है तो परावर्तित किरण कहाँ से होकर गुजरेंगी। तो ये सही आंसर जो आपका हो जाएगा ये है, उसके फोकस बिंदु से होकर गुजरती हैं। कहाँ से? उसके फोकस बिंदु से होकर गुजरती हैं। सही आंसर हो जाएगा फोकस बिंदु। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आया था, रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा गया था, यदि हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी तो बोरोमीटर का संबंध किससे होगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। बोरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को नापने में किया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था, स्नेल लॉ किससे संबंधित है। तो आपने अगर ऑप्टिक्स पढ़ा होगा, प्रकाश पढ़ा होगा, तो आपने स्नेल लॉ हमेशा ज़रूर पढ़ा होगा। और ये सही आंसर जो इसका हो जाएगा साइन आई इंटू म्यू वन बराबर साइन आर इंटू म्यू टू। ये यानी परावर्तित किरण का कोण तथा आपतित किरण के कोण के बीच का साइन को जा बराबर होता है। इस तरह का सही आंसर इसका हो जाएगा। ध्वनि की अधिकतम गति पूछी गई थी कि ध्वनि की अधिकतम गति निम्न में से किस माध्यम में होती है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ठोस और एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। पारसेक पूछा गया था कि पारसेक किसकी इकाई है। तो पारसेक दूरी का मात्रक है। हमेशा ध्यान रखें, नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन है मगर अभ्यर्थी हमेशा इसमें गलती करते हैं। पारसेक दूरी का मात्रक है। 3, 6, 18, 54, 101 और 486 हो तो निम्न में से कौन सी डिजिट रॉन्ग है, यानी जोन सी डिजिट रॉन्ग है वो क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 101। 197, 170, 145, 122, 101 तो नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो सही आंसर हो जाएगा 82। मैथ से संबंधित एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था, यदि एक बेलन का आर बराबर 5 सेंटीमीटर और हाइट एच हो और एक शंकु जिसका हाइट 2h हो और आर 5 सेंटीमीटर हो तो इनके वॉल्यूम में कितना फ़र्क होगा। तो इसका वॉल्यूम का जो रेशो होगा वो 3:2 होगा, यानी 33.1% वॉल्यूम बेलन का ज़्यादा होगा। नेक्स्ट प्रश्न था, यदि चोर और पुलिस के बीच की दूरी 400 किलोमीटर हो तो चोर पुलिस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो और पुलिस 30 मिनट बाद चलना प्रारंभ करे तो कितने समय बाद चोर को पकड़ लेगी। तो सही आंसर हो जाएगा 43.2 आवर, यानी 22.5 घंटे में चोर पुलिस को पकड़ लेगी। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए, 21.5 घंटे बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और जो भी क्वेश्चन हमें मालूम पड़े हैं वो हमने आपके साथ डिस्कस किए दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।